हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जो भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना, बाकी को जाने देना है। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको मेरा इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अपने पर्सन पर आप लोग फोकस रखें। फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस की रीडिंग है। जेंडर कुछ भी है आपका, नो कॉन्टैक्ट है तो आप रीडिंग को देख सकते हो। सेपरेशन है आपका, आपके पर्सन से, आपके लवर से, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ से। ठीक है, सो रीडिंग्स आपके लिए ओपन है। सो डिवाइन गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के, उनके लिए क्या ट्रू इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द हैंगमैन पाइसिस, सिक्स ऑफ वैंड्स एरिस लियो सैजिटेरियस, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, थ्री ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, फोर ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड लास्ट वी हैव द हर्मिट वर्गो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। या डेफिनेटली गाइज, आपका नो कॉन्टैक्ट है इस पर्सन से। ओके, बात नहीं हो रही। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड थे, बट अब उनका सेपरेशन है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सिंगल रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, सिनेरियो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो लोग मैरिड हैं इस पर्सन से, ठीक है, उनके लिए बताती हूँ कि ये पर्सन से आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बट अब आपके बच्चे भी हैं, सेपरेशन मोड है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन की मदर से या थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन जो है ख़राब हुआ है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टक मोमेंट है। द हैंगमैन पॉज एनर्जी है यहाँ पे, बैक एंड फोर्थ पोजीशन है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। बहुत टाइम से आप लोगों का ये कनेक्शन स्टक है। आप लोग चाहते हो ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन करे, ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बट यहाँ पे किसी लेडी की वजह से आपका यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पा रहा। बट जबकि ये पर्सन बहुत सैड है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ दोबारा रियूनियन चाहता है, आपसे प्यार करता है, बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा है और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। ठीक है, आपकी फैमिली है, बच्चे भी हैं, ठीक है, और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और सिंगल के लिए ही रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है और आपका सिचुएशन भी काफ़ी टाइम से पॉज है, मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही, जबकि ये पर्सन अब इस हर्मिट मोड से और इस पॉज वाले मोमेंट से, हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप से ये पर्सन बात करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है आपसे। इस टाइम ये पर्सन टॉस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो ये पर्सन कैसे पेंटिकल इसने हवा में उड़ाया, जैसे टॉस कर रहा है किसी चीज़ को। सो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, आए या ना आए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फेम नेम वाला मुझे ये पर्सन लग रहा है। काफ़ी ईगो प्रॉब्लम्स भी इस पर्सन से हो सकती हैं, लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी प्राउड है, प्राइड भी है, एरोगेंट भी है इस पर्सन को, और अपने आप पे भी काफ़ी प्राउड है, बिकॉज नेम फेम है ऑब्वियसली। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये पर्सन फेमस हो सकता है, या किसी जगह पे काम करता है तो वहाँ पे ये पर्सन काफ़ी फेमस है, और डेफिनेटली चाहता है ये पर्सन आपको प्रपोज देना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये एक लेडी जो है यहाँ पे एक ओल्ड सी वीमेन को फ्लावर दे रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ प्रपोजल करके आपको रिकॉन्सिलिएशन चाहता है, बिकॉज ये रीयूनियन चाहता है पर्सन। ठीक है, ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है। आपका फ्रेंड हो सकता है ये पर्सन, फ्रेंड सर्कल से है आपका, सो डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं। आपने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया या इस पर्सन ने रिजेक्ट किया, मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपका प्रपोजल पास्ट में रिजेक्ट किया है। आप लोगों ने इसको लव की ऑफर की थी, बट इस पर्सन ने तब आपकी लव की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। अब ये पर्सन काफ़ी परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। इस पर्सन को लाइफ में कुछ मिल भी रहा है तो इसका फोकस वहाँ है ही नहीं, बिकॉज ये पास्ट पे बैठा हुआ है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ तो ये पर्सन किसी और में इन्वॉल्व है, या किसी और से मैरिड है, या किसी रिलेशनशिप में है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, और अब आप ये पर्सन सोच रहा है कि पहले आप काफ़ी इमोशनल थे इसको लेके, काफ़ी प्यार करते थे इससे, बट अब आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हो आप लोग अब
माइंड से काम लेते हो, अपने इमोशन से काम नहीं लेते। इस पर्सन को फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली हैं कि अगर ये पर्सन आपको कोई लॉजिक, कोई स्टेबल ऑफर देता है तभी आपने इस पर्सन के पास जाना है और इस पर्सन को आने देना है, बात करनी है, अदरवाइज आपकी तरफ से इस पर्सन को टाटा बाय बाय। जबकि ये पर्सन बहुत आपसे प्यार करता है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है, ठीक है। प्यार बहुत करता है, रोमांटिक बहुत है आपको लेके, लव की एनर्जी यहाँ पे है, बट ये पर्सन स्टिल अभी हर्मिट मोड पे है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, सोल सर्चिंग कर रहा है, इस पर्सन ने पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं आपके साथ, क्या बैड किया है बिहेवियर, तो ये वो चीज़ों को सोच रहा है गाइस। ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, जबकि ये पर्सन आपसे फैमिली बनाना चाहता है और वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है आपसे कंप्लीशन का और न्यू बिगनिंग का, रिस्क लेना चाहता है गाइस ये पर्सन। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं यहाँ पे इस पर्सन से। एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, स्टार साइन यहाँ पे सब हैं, सो कुछ भी स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, बट डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन ये पर्सन करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपको प्रपोजल दे, सेलिब्रेशन करें, पार्टी फंक्शन हो, और ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अगर मैरिज, बहुत कम लोगों के चांसेस होंगे मैरिज करना चाहता है, बट प्रपोजल आपको देना चाहता है, लव प्रपोजल, सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन, रीयूनियन चाहता है, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे आ गया, आप लोग देख सकते हो कैसे हैप्पी फैमिली है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हारमनी हो आपके दरमियान, बैलेंस हो, आपके बच्चे हों, कुछ लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं, उनका सेपरेशन मोड है, उनसे रीयूनियन चाहता है। और जो टोटली सिंगल हैं, सिंगल के लिए वॉच कर रहे हैं, तो उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके लवर हैं, उनके साथ शादी करके फैमिली लेके जाना चाहते हैं, आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर फ्यूचर आपके साथ ये पर्सन देख रहा है। बट अभी स्टिल हैंगमैन की पोजीशन है, किसी चीज़ में ये स्टक है, स्टक थर्ड पार्टी में है। अब इसकी मदर है थर्ड पार्टी, इसका काम है, इसकी मैरिज है किसी और के साथ, या किसी से रिलेशनशिप है, या इसका, या ये पर्सन किसी और से एंगेज्ड है, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपका फ्रेंड है, फ्रेंड जोन से है। बट अनहैप्पी है ये पर्सन, अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड यही है कि इसने आपका लव एक्सेप्ट नहीं किया पहले, अब खुद भी आना चाहता है, आपको अपना लव देना चाहता है। अब कुछ यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की, जो लोग रीडिंग को देख रहे हैं। ट्रैवलिंग, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन को आपकी तरफ आने में ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया से आपकी बात हो सकती है, 8 डेज़ 8 आवर्स 8 वीक्स में बात हो सकती है, और कुछ लोगों की 8 मंथ्स में भी बात हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस है, गिल्ट, 8888 की एनर्जी है यहाँ पे, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 888 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, हारमनी, ये पर्सन बैलेंस होना चाहता है, हारमनी चाहता है अपनी लाइफ में। इस टाइम काफ़ी गिल्ट है इस पर्सन को, स्टक भी है ये पर्सन किसी सिचुएशन में, और गिल्ट है आपके साथ रॉन्ग करने का, आपका प्रपोजल रिजेक्ट करने का जो इसने पास्ट में किया है, उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ये पर्सन हर्मिट मोड पे है, और बहुत अच्छी बात है हर्मिट मोड पे ये किया हुआ है। हर्मिट मोड पे ये पर्सन जाएगा तो अपनी रियलाइज़ करेगा अपनी मिस्टेक्स को, स्लोइंग डाउन, आना चाहता है आपकी तरफ, बट गाइस प्रोग्रेस बहुत स्लो है, टाइम लगेगा इस पर्सन को आपकी तरफ आने में। यस, इनर वॉइस, इंट्यूशन सुन रहा है गाइस ये पर्सन अपनी, इंट्यूटिव हो सकता है, हीलर हो सकता है, लाइट वर्कर हो सकता है ये पर्सन, आपका टेलीपैथी कनेक्शन है, 5D पे लेवल है, 5D लेवल पे आपकी कनेक्शन है इस पर्सन से, और डेफिनेटली ये पर्सन को आप ड्रीम्स में भी देखते हो, ये पर्सन भी ड्रीम्स में देखता है, इमोशनल है ये पर्सन, बट आपसे इमोशंस फीलिंग्स छुपाई हुई है इस पर्सन में, हाइड करता है ये अपने इमोशंस को आपसे। पास्ट में आपको इस पर्सन ने गोस्ट किया है, गोस्ट किया है यहाँ पे आपके पार्टनर्स ने आपको, बिना बताए कनेक्शन को छोड़ के भाग गए, प्यार करता था आपसे बट बिना बताए थर्ड पार्टी की तरफ ये निकल लिया, और अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, गोस्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बट वापस आएगा ये पर्सन, न्यू विजन, सेम कार्ड है गाइड्स हमारे पास, हैंगमैन, ये पर्सन को अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, सोचने का नज़रिया चेंज कर रहा है ये पर्सन, तभी कोई आपकी इस रिलेशनशिप में मूवमेंट होगी, ठीक है। बिकॉज अभी ये स्टक है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, तभी ये आपकी तरफ आएगा, ठीक है। गैस पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे, एंड सी बॉटम ऑफ द रेक है लवर्स, पॉसिबिलिटीज़, सक्सेस, बैक टू बैक हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, या आपका इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन गाइस है, सक्सेस ये पर्सन चाहता है,
डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। हमारे पास 6 of Wands का यहाँ पे कार्ड है और अगेन यहाँ पे 6 of Wands का कार्ड है, पॉसिबिलिटी का वेट कर रहा है गाइस ये आपसे बात करने का। और लवर्स की एनर्जी है डेफिनेटली, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, सोलमेट है ये, रियूनियन होगी आपकी इस पर्सन से बिकॉज ये बहुत प्यार करता है आपसे, जो भी है रियूनियन है आपकी, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ओके सो डेफिनेटली यहाँ पे 8 days, 8 weeks, 8 months में यहाँ पे आपकी बात करने के चांसेस हैं। और 6 to 3 weeks, 6 to 3 months में भी आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। ओके बट कंप्लीशन है यहाँ पे गाइस, कुछ लोगों की इस पर्सन से रियूनियन होना ही होना है, जो तो यहाँ पे सिंगल वॉच कर रहे हैं और बहुत कम प्रॉब्लम है आपकी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली उनका रियूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होना है 6 to 3 to 6 and 8 months weeks में। ठीक है सो गाइस दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया और रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।